कटारिया ने लाइव आकर तोड़ा अदनान का भी रिकॉर्ड एंड बना दिया है एक नया रिकॉर्ड। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि बीती रात बिग बॉस इविक्ट होने के बाद कटारिया लाइव आए। लाइव में अकेले नहीं, विशाल पांडे भी थे और उनके साथ मुन्नी जी मुनेशा भी थी बिग बॉस में, जो उनके दोस्त बने थे, उन सबके साथ लाइव आए बीती रात कटारिया। लाइव आते साथ ही वो रात के 11 बजे के करीब लाए, फिर भी लोग, इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे उनको लाइव देखने का, कि 288K यानी कि 312,000 लोग ही कम थे, 3 लाख ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोवर्स थे, लोग थे जो कि रात के 11 बजे भी कटारिया को लाइव देख रहे थे। कटारिया लाइव आए, उन्होंने अपने ढेर सारे फैंस को थैंक यू बोला और बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए जो भी उनको अभी तक मिला उनके लिए थैंक यू बोला और बहुत सारे पोल भी खोले बिग बॉस के, और साथ ही अदनान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बिकॉज जब अदनान बिग बॉस से लाइव विक्ट हुए थे तो वो लाइव आए थे, उनके कुल 66K फॉलोअर्स 66K व्यूज़ आए थे, मतलब इतने ही लोग देख रहे थे। लेकिन अदनान जब आए, मतलब कटारिया जब लाइव आए विशाल के साथ, तो उनकी लाइव की मतलब सीमा ही नहीं थी, मतलब 3 लाख के करीब लोग उनका लाइव देख रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि रात के 11 बजे भी आपको 3 लाख के करीब लोग देख रहे हैं। अगर दिन में लाइव आए हो तो शायद उससे भी ज़्यादा वो लाइव की जो रिकॉर्डिंग थी, व्यूज़ थे, वो हो सकते थे, यानी कि उससे भी ज़्यादा लोग देख सकते थे। अब देखते हैं बिग बॉस में जो और कंटेस्टेंट है वो रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं कटारिया का ये वाला या नहीं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, जो बिग बॉस में भी टॉप 5 बजे हैं वो आके लाइव आएंगे तो क्या कटारिया का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप में से किसने रात के 11 बजे लाइव देखा ये भी ज़रूर से बताइएगा, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता था कि रात के 11 बजे वो लाइव आने वाले हैं। उन्होंने अचानक से 5-10 मिनट पहले बोला कि वो 11 बजे लाइव आने वाले हैं और लाइव आए, और उस वक्त भी 3 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे थे और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। अब देखते हैं बिग बॉस OTT 3 का कोई और कंटेस्टेंट का रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, तोड़ पाएगा या नहीं, कमेंट बताओ।